Akhilesh Yadav is the chief of the Samajwadi Party. He's here in Kannauj on a day that his party MLC and perfume trader Pushpraj Jain is being raided. Sir, I heard in your press conference that you equated the BJP with Hitler and you spoke about propaganda, sir. Why did you do that, sir? I mean, what do you wish to say? जिस समय छापा कानपुर के इत्र व्यापारी पे पड़ा, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रचार किया कि ये पैसा उसका है जिसने समाजवादी इत्र बनाया है, और न केवल छोटे नेताओं ने बल्कि देश में प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों ने दिया, और उनका जितने भी स्पोक्स पर्सन्स हैं या जो उनकी से संबंधित टीवी वाले लोग हैं, उन्होंने भी कारोबारी को समाजवादी पार्टी से जोड़ा। जिस समय सच्चाई आने लगी और पोल खुलने लगी कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति नहीं है, ये वो व्यक्ति नहीं है जिसने समाजवादी इत्र बनाया है, तो जब पोल खुल गई अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी खीस मिटाने के लिए, इन्होंने दोबारा छापा मारा है पुष्पराज जैन पर। The attacks on your party and you yourself are continuing, sir. Amit Shah, the Home Minister, was in Ayodhya today, and he again attacked the party, saying that at the end of the day, it is the Samajwadi Party that is involved in corruption. How do you react to that, sir? अब तभी मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से झूठ कोई नहीं बोल सकता, ये झूठ के फूल हैं। हिटलर के ज़माने में तो केवल एक विभाग था, एक मंत्री थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री थी, लेकिन ये तो पूरी सरकार झूठ बोलती है। इस सरकार को ये बताना चाहिए कि जब जब आप यूपी आते हो तो छापा वाले लोगों को क्यों साथ लेकर के आते हो। आप टाइमलाइन देखिए, जब भी दिल्ली वाले यूपी में आएंगे ये छापा मरवाएंगे और फिर छापे के हिसाब से भाषण तैयार करेंगे। लिखित भाषण पहले से कैसे हो सकता है? लिखित भाषण था इनके पास, तो इसका मतलब इन्हें जानकारी किसने दी कि ये जो व्यक्ति है वो समाजवादी इत्र वाला है? ये अपनी गलती छिपाने के लिए विभाग से गलती हुई, और विभाग से गलती हुई वो बीजेपी ने करवाई है, और बीजेपी ने जानबूझ करके पीयूषन पे छापा मरवाया क्योंकि वो जानते थे कि इनके यहाँ पैसा है, और अब पैसा तो बीजेपी का निकला। पीयूषन के संबंध किससे हैं? बीजेपी के लोगों से संबंध है।